एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी का जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं उस 2022 प्रथम सत्र परीक्षा आदर्श उत्तरों के साथ आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अंत तक देखिए, क्योंकि जो कृति पत्रिका होती है, प्रश्न पत्रिका होती है, वो किस तरह होती है और आदर्श उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, इस पर आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अंत तक देखिए। विषय हिंदी समय होता है, कुल समय 2.5 घंटे तक होता है। 50 गुण के लिए होती है प्रथम सत्र परीक्षा। चलिए शुरू करने वाले हैं। प्रथम प्रश्न एक और में कृति है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। जो गद्यांश दिया है, सबसे पहले उसे पढ़ना है। स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू पर नजर जमाए कहा, तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयारी होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना, ये कांटे। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब पर, उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा, कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे। और यह रद्दी पेपर मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी, पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब करा। बबलू सिर झुकाए खड़ा था रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए, दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद उसने मुस्करा रहा था, वह अब स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर ही और लौट पड़ा, घर की ओर लौट पड़ा। तो इस के आधार पर हमें कुछ कृतियां पूर्ण कीजिए। पहली कृति है जो इतना ही लिखा होता है कि लड़की ने माँ से कहा, क्या कहा, ये दो अलग अलग यहाँ पर कृति पूरी की है, पूर्ण की है। बाल मजदूरी तो अपराध है ना, के काटे। हाँ, निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में से विलोम शब्द लिखना है, नौकर, शिक्षित, दूर और सेना। यहाँ पर उत्तरों के साथ लिखा है, नौकर नौकरानी, शिक्षित अनपढ़, दूर पास से रोना हंसना। इसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति के लिए यह दिया है कि बाल मजदूरी अपराध है, इस विषय पर अपना मत 46 से 50 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर लिखा है, बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है, जो समाज के लिए श्राप बनता जा रहा है, तथा जो देश के वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। बचपन जीवन का सबसे यादगार क्षण होता है, जिसे हर एक को जन्म से जीने का अधिकार है। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें अपने बच्चों को हर तरह से स्वस्थ बनाना चाहिए। तो इसी तरह लिखना है। कुल 3 अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है।
उसके बाद आ है निम्नलिखित के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। तीन दिए हैं, कलम का सिपाही पाठ के आधार पर ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याओं को रेखांकित कीजिए। उषा की दीपावली लघु कथा द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। अखबार के दफ्तर से आए दो युवकों से मिले लेखक के अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। तीनों में से कोई दो के उत्तर आपको लिखने हैं। कुल 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए, पहला लिखा है, कलम का सिपाही पाठ के आधार पर ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याओं पर अपने विचार लिखिए। ग्रामीण जीवन की समस्या, ग्रामीण जीवन को व्यतीत करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव में सभी प्रकार के साधनों में कमी होती है। गांव में सड़कें नहीं होती है, इसलिए परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होते। गांव में शिक्षा से लेकर अस्पतालों तक की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। शहरी जीवन की जो समस्याएं अलग होती है, शहरों में आवास की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहां पर मकानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहरों में हर साधन की कमी है। शहरों में रंग बदरंग उल्टे सीधे मकान दिखाई देते हैं। शहरों में बढ़ता हुआ प्रदूषण, शोर, भीड़भाड़, धुआं दिखाई देता है। शहरों में सभी लोग अपने में रहते हैं, वह लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। इसी तरह ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याओं पर हमने चर्चा की है, अपने विचार लिखे हैं। उसके बाद जो दूसरा अपना मत लिखना है, इस कथा जो है दूसरा कि उषा की दीपावली लघु कथा का जो संदेश है यह लिखना है। इस कथा में कई ऐसे प्रसंग है जिनमें अनेक संदेश छुपे हुए हैं। बालिका उषा के घर में दीपावली के अवसर पर तरह तरह के पकवान बनाए गए हैं, पर उषा की पसंद बाजारू चीजें हैं। इससे अन्न का सदुपयोग करने और उसकी बर्बादी न करने का संदेश मिलता है। बालिका उषा बहन के आटे के दीपक बटोरते हुए देखकर द्रवित हो जा उठती है और उससे रहा नहीं जाता। तो ऐसे विचार यहाँ पर है। और तीसरी जो कृति है कि जो उन्होंने तीसरी, अखबार के दफ्तर से आए दो युवकों से मिले लेखक के अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ लिखा है कि वे अपने आप को अखबार के दफ्तर से आया हुआ बताते हैं। वे लेखक से कहते हैं कि वे फिल्में दिखाते हैं और उन पर उनकी राय के लिए उन्हें बुलाएंगे। लेखक को उनकी बात सुनकर अच्छा लगता है। इस बीच लेखक को किसी काम में लगा हुआ देखकर वे उनके सामने हस्ताक्षर के लिए एक कागज रख देते हैं। इसी प्रकार तीनों ही सोमत लिखे हैं। उसके बाद ई साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। चार में से दो को लिखना है। कुल दो दो अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है। हमने पूरे चार के ही उत्तर आपको आपकी मदद यानी आपके सामने रखे हैं। तो पहला देखिए, राजेंद्र सहगल जी की साहित्यिक कृतियां लिखिए। हिंदी उपन्यास, तीन दशक, शोध प्रबंध, असत्य की तलाश, धर्म बिका बाजार में, यह व्यंग संग्रह उनका साहित्यिक कृतियां है। दूसरा जो पूछा गया सामान्य ज्ञान पर आधारित है, रेडियो रूपक की विशेषताएं लिखिए। भाषा की सरलता और सहजता, विषय की स्पष्टता, क्रमबद्धता, सर्वांग पूर्णता, एक रूपता, यह लिखने के बाद तीसरी कृति सामान्य ज्ञान पर आधारित है, संतोष श्रीवास्तव लिखित साहित्यिक विधाएं लिखिए। हिंदी कहानियां, लेख, लघु कथाएं, निबंध, नाटक, कहानी, गद्य, आलोचना, उपन्यास, बाल कथाएं, प्रेरक कथाएं, गद्य कोश आदि। और चार, अन्य व्यंग रचनाकारों के नाम लिखिए। रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, शंकर पुंतांबेकर आदि। उसके बाद विभाग दो पद्य आता है। प्रश्न दो, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्य का कुछ पद्य पंक्तियां दी गई है, वह पद्यांश पढ़कर आपको सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण करना है।
माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। जहां राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारिल है द्वै को नाही ठाम। दादू गावे सुरती सौ बानी बाजे ताल, यहु मन नाचे प्रेम सौ आगे दिन दयाल। जे पहुंचे ते कही गए तिनकी एके बात, सबई साध का एक मत बिच के बारह बाट। दादू पाती प्रेम की बिरला बात से कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। तो इस पद्यांश के आधार पर हमें यह कृतियां पूर्ण करनी है। सबसे पहले कुल दो अंक के लिए कृति पूछी गई है कि निम्नलिखित पंक्तियां क्रम के अनुसार लिखनी है, जो ऊपर दी गई है एक दो तीन और चार, इसे पंक्तियां क्रम अनुसार क्रम के अनुसार लिखनी है। तो यहां पर लिखी है उत्तर में, दादू गावे सुरती सौ बानी बाजे ताल, यहु मन नाचे प्रेम सौ आगे दिन दयाल। तो ऐसी क्रम अनुसार लिखनी है कुल दो अंक के लिए। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखने हैं। पहला है पत्थर। पत्थर के लिए प्रयुक्त शब्द काव्य पंक्तियों में आया है पाहन। दूसरा है स्मरण। स्मरण के लिए सृष्टिकर्ता यह शब्द आया है प्रयुक्त। बाचे यानी पढ़ना यह आया है उसका सही उत्तर। और मक्खन माखन इसका आया है कुछ दो अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है। उसके बाद स्वमत पे कृति पूछी गई है, अहंकार त्यागने से होने वाला लाभ इस संदर्भ में अपना मत 40 से 50 शब्दों में लिखना है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पंक्ति में मेरे विचार इस प्रकार है, जो मनुष्य अहंकार करता है उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। वह मनुष्य अकेला रह जाता है, वह सारे रिश्ते खो देता है, कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि अहंकारी मनुष्य हमेशा दूसरों को हमेशा नीचा दिखाता है। अहंकार त्यागने से होने वाले लाभ क्या होते हैं? तो जब मनुष्य अहंकार का त्याग करता है तभी समाज में उसकी इज्जत होती है। वह मनुष्य सबके दिलों में राज करता है, विनम्रता की भावना पैदा होती है और वह सबसे प्रेम से बात करता है और सबको एक बराबर समझता है। यही इस पर हमने 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखा है, अपना मत लिखा है। उसके बाद 3 से 4 अंकों के लिए वह कृति पूछी गई है। उसके बाद आ में निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। पद्यांश है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूं। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में भी कोई माँ भी छुपी होती है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले है माँ बाप, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं डूबते वक्त, मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का मैच धोखा है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस काव्यांश से हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। पिता के गुण, पिता के कौन से दो गुण है यह लिखने हैं। यहाँ पर उत्तर में यहाँ पर लिखे, बच्चों को चोट लगने पर पिता तड़प उठता है, हर पिता में एक माँ भी छिपी होती है। एक अंक के लिए कृति पूछी जाती है। नीचे पद्यांश पढ़कर दो ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द में हो, जैसे महीनों से या फिर से चलना। तो दो प्रश्न तैयार किए हैं। ऑफिस में कब से शिफ्ट होती है, ऑफिस में कब से शिफ्ट होती है, तो महीनों से। और गिरने पर संभालना और क्या करना है, तो गिरने से संभालना फिर से चलना है। तो यह दो प्रश्न तैयार किए हैं कुल दो अंक के लिए। उसके बाद
अपने विचार लिखने हैं कुल 3 अंक के लिए। कृति पूछी गई है पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखने हैं। पालना घरों का कर्तव्य है कि वे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें तथा समय समय पर उनके नित्य क्रम कर्म खाने पीने तथा मनोरंजन की उचित व्यवस्था करें। पर कुछ पालना घर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा उन्हें प्रताड़ित करने के भी समाचार मिलते हैं। पालना घर समय की मांग है और अधिक से अधिक अच्छे पालना घर खुलने चाहिए। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों विभाग 3 में विशेष अध्ययन होता है, उस पर निम्नलिखित संवादों के आधार पर कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। तो नीचे हम सबसे पहले जो संवाद है वह पढ़ने वाले हैं, सही तरह से उसे पढ़ना है क्योंकि उसके ही आधार पर निम्नलिखित जो कृतियां हैं हमें पूर्ण करनी है। तो चलिए पढ़ेंगे। ऑटो चालक ने कहा, भाई साहब आपको जाना कहाँ है? कभी यहाँ कभी वहां, वहां से यहाँ फिर यहाँ से वहां, पूरी दिल्ली के दर्शन करा दिए आपने, आपको जाना कहाँ है? लो मैंने ऑटो स्टैंड पर गाड़ी रोक दी, आखिर आप चाहते क्या है? ऑटो चालक जो दूसरा, यार बुरा मत मानना लगता है, इसकी नई नई शादी हुई है और आज इसने बीवी को रामलीला दिखाने का वादा किया होगा, यह वक्त पर नहीं पहुंचता तो इसका लंका दहन हो जाएगा। ऑटो चालक एक ने कहा, कुछ बोलोगे भी क्या हुआ? आदमी ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें खून की सख्त जरूरत है, हर जगह खून के लिए भटक रहा हूं लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। ऑटो चालक दो ने कहा, आप तो ठीक ठाक काम धंधे वाले लगते हो, ब्लड खरीद क्यों नहीं लेते? आदमी ने कहा, कहां से खरीदे, जितना पैसा था वह हम पहले ही लगा चुके हैं, जिन लोगों की हमने मदद की उन लोगों ने भी हमें मदद नहीं की, यानी हमें सहारा नहीं दिया। उस पर ऑटो चालक एक ने कहा, साहब मैं दूंगा खून, चलिए कहाँ जाना है? ऑटो चालक दोनों, अरे पागल है क्या, तू देगा खून? ऑटो चालक एक, क्यों नहीं दे सकता खून, माना कि मैं गरीब हूं एक ऑटो ड्राइवर हूं तो क्या मैं खून नहीं दे सकता? भाई साहब मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगा, मदद करना तो कोई आपसे सीखे, जब हमारे अपनों ने मुंह मोड़ लिया तब पराए होकर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। तो यह संवाद है, इस संवाद के आधार पर हमें कृतियां पूर्ण करनी है। पहली कृति है कारण लिखिए, ऑटो चालक का लंका दहन हो जाएगा, यानी उसकी नई नई शादी हो गई है, उसने अपने बीवी को वादा किया है कि वो आज रामलीला दिखाने ले जाएगा और वो टाइम पे नहीं पहुंचा तो उसका लंका दहन हो जाएगा, यह कारण ही। आदमी भटक रहा था, क्यों भटक रहा था? उसकी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें खून की सख्त जरूरत है, हर जगह खून के लिए भटक रहा हूं लेकिन कहीं नहीं मिल रहा, यह कारण लिखा है। दो दो अंक के लिए होता है। इसके बाद उचित मिलान कीजिए, इसका मिलान सामने करना है आपको, जब आप एंसर शीट में लिखने वाले तब इसके इसके सामने इसका सही ब जो लाइन में जो है उसका जो सही उत्तर है उसके सामने लिखना है। जैसे कि शहर, शहर का उत्तर क्या है, सामने वाला मिलान क्या है, नगर, तो उसके सामने नगर लिखना है, यानी पहलों का इसका रक्त का क्या है या दहन का क्या है, जलाना, दहन का क्या है, जलाना, खून का क्या है, रक्त, और एहसान का क्या है, उपकार, ऐसा लिखना है। तो सामने सामने लिखना है, कुछ 4 अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है। उसके बाद चलिए आगे, वर्तमान काल में दान का महत्व अपने शब्दों में लिखना है, कुल 3 से 4 अंक के लिए अपने शब्दों में लिखना है। जीव को उसकी आवश्यकता पर चाहे वह मांगे या न मांगे उसे देना परम धर्म, मानवता या कर्तव्य है। प्रकृति अपना सब कुछ जीवों को बिना मांगे ही दे रही है, ईश्वर भी, भले हम मांगे या न मांगे हमारी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार हमें देता है, अतः वह हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम भी हमारे पास जो है उसे दूसरों को दे।
शास्त्रों में कई ऐसे प्रसंग है कि जो दिनों की सहायकता नहीं करता वह कितना भी यज्ञ जप तप योग आदि करे उसे स्वर्ग या सुख नहीं प्राप्त होता। जिस व्यक्ति में या समाज में दान की भावना नहीं होती उसे सभ्य नहीं कहा जाता, उसकी निंदा होती है और उसका पतन होता है, क्योंकि समाज में सुखी दुखी और संपन्न विपन्न होंगे ही और सहयोग की आवश्यकता होगी। अतः समाज के अस्तित्व और प्रगति के लिए सहयोग आवश्यक है। दान देने के समय आपके मन में अहंकार पुण्य कमाने का या एहसान करने का नहीं होना चाहिए। उस पात्र का आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने आपके अंदर शुद्धा सद्भाव जगाकर आपको कृतार्थ किया। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि उसने आपको कुछ देने के योग्य बनाया है। विभाग चार में आपको व्यावहारिक हिंदी यानी पारिभाषिक शब्दावली में लिखना है। प्रश्न चार में आपको लिखना है कि निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है। दो में से एक का उत्तर लिखना है आपको। मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं लिखिए। कुल 5 अंक के लिए होता है यह प्रश्न। रेडियो और टेलीविजन के लिए समाचार प्राप्त करने के साधन लिखिए। दोनों में से एक का लिखना है उत्तर। यहाँ पर लिखा है मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार। मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी भाषा द्वारा रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार की हिंदी आज विश्व की सबसे तीसरी अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के मनोरंजन के क्षेत्र में चाहे वह फिल्म हो या टीवी, हिंदी पूरी तरह छाई हुई है। हिंदी फिल्मों तो वर्षों से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय रही है। भारत फिल्म बनाने के मामले में पूरे विश्व में सबसे पहला स्थान रखता है और उसमें अधिकतर फिल्में हिंदी में होती है। हिंदी भाषा के अभिनेता अभिनेत्री गायक संगीतकार गीतकार संपादक पटकथा लेखक आदि की हिंदी फिल्म उद्योग में निरंतर मांग बनी रहती है। मुंबई स्थित हिंदी फिल्म जगत ऐसे लोगों को हमेशा रोजगार देता रहा है। सैटेलाइट टीवी के आगमन से टीवी जगत में क्रांति आ गई है और सैकड़ों टीवी चैनल अस्तित्व में आ गए हैं। टीवी जगत में हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार की अपार संभावनाएं बनी हुई है। ऐसे अनेकों हिंदी समाचार चैनल इस समय पर टीवी पर प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें एंकर, पत्रकार, संवाददाता आदि की मांग हमेशा रहती है। इसके अलावा मनोरंजन से चैनल है जिसमें अनेकों हिंदी सीरियल प्रसारित होते रहते हैं। इन सीरियल में काम करने वाले कलाकारों की मांग निरंतर बनी रहती है। इस तरह टीवी भी रोजगार देने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। मनोरंजन के क्षेत्र हिंदी की जैसी लोकप्रियता बढ़ती है उसी के अनुसार हिंदी भाषा के समाचार पत्र, पत्रिका आदि भी बढ़ने लगे हैं और इन पत्रों के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु हिंदी में दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार की अपार संभावनाएं है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें अब आगे आ देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखना है। पहला है ऑडिट, लेखा परीक्षा, सर्वेयर, सर्वेक्षक कहा जाता है उसे हिंदी में पारिभाषिक शब्दों में। अमाउंट यानी राशि, गवर्नर यानी राज्यपाल, वैलिडिटी यानी वैधता, पेंशन पेंशन, तो इसी प्रकार आपको लिखना है। 6 में से 4 कुल 2 अंक के लिए होता है यह प्रश्न। उसके बाद विभाग 5 आता है, व्याकरणों पर आधारित होता है। प्रश्न 5 ओ में 3 में से 2 लिखने हैं, रस पहचान कर लिखने हैं। जो पंक्तियां हैं पद्य पंक्तियां, उसके आधार पर उसमें कौन सा रस है वो पहचान कर आपको लिखना है। पहला जो है, पलक न लागे मीरा शाम बिना, हरि बिनु मथुरा ऐसी लागे शशि बिनु, रैन अंधेरी पात पात रंदावन डुडियो, डुडियो कुंज कुंज ब्रज केरी, ऊंचे खड़े मथुरा नगरी तले बहे जमुना गहरी, मीरा के प्रभु गिरिधरनागर हरिचरण की चेरी। भक्ति रस इसमें है। दूसरा जो वाक्य है उसका उत्तर भक्ति रस है। दूसरा जो है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जलोसी,
चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालोसी फन फैलाए व्यालोसी। भयानक रस यहाँ पर दिया गया है। यह इसमें तुम्हाराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप घंटा भर आलाप। राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यह हास्य रस यहाँ पर इस पंक्तियों में दिया गया है। उसके बाद कामिन निम्नलिखित वाक्यों को दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करने हैं। तीन में से दो को लिखना है। कुल दो अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है। बबन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डालकर अपनी जेब में रख रहा था। सामान्य वर्तमान काल में लिखना है। कचरे के 3 डिब्बे रखकर बताया कौन सा कचरा कहाँ डाले। और कश्मीर में बाढ़ आ गई है। पूर्ण भूतकाल में लिखना है। कश्मीर में बाढ़ आई थी। नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। सामान्य भविष्यकाल में लिखना है। नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाएगा जाएगा यानी सामान्य भविष्यकाल में लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरे 4 दिए गए हैं। 4 में से 2 आपको लिखने हैं। 2-2 अंक के लिए कुल 4 अंक के लिए कृति पूछी गई है। कमर सीधी करना उसका अर्थ होता है थक जाना। विश्राम करने के लिए सीधे लेटना। लालजी अपने नौकरों से छुपकर काम कर लेते हैं, कमर सीधी करने का मौका भी नहीं देते। किस्मत खुलना सफलता मिलना। लॉटरी खुल जाने से उसकी किस्मत भी खुल गई। डंका पिटना प्रचार करना। ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हरा कर अपना डंका बजा दिया। श्री गणेशा करना यानी किसी काम की शुरुआत करना। करुणा ने अपना बुटीक का श्री गणेशा किया। तो 4 में से 2 लिखने हैं आपको कुल 4 अंक के लिए। उसके बाद ई निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको वाक्य फिर से लिखने हैं। उषा की आंख विस्मय से भर उठी। उठा तो ऐसा है उठी यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमारा इज्जत माटी में मिल जाएगा। हमारी इज्जत माटी में मिल जाएगी यानी इस दो जगह से हमें वाक्य को शुद्ध करना है। हमारा यानी हमारी इज्जत माटी में मिल जाएगा है तो जाएगी यहाँ लिखना है। तो ऐसा लिखा है यो शुद्ध वाक्य लिखा है। लेकिन आपने खरीदने का कहा है लेकिन आपको खरीदना है इस तरह लिखना है शुद्ध करके। तो इसी तरह जो कृति पत्रिका थी ने प्रश्न पत्रिका ने पूरी तरह से अंत तक आप सभी ने देखी है। तो आदर्श उत्तरों के साथ आप सभी ने देखी है। तो विद्यार्थी मित्रों आप यह ऑनलाइन लेक्चर इसी तरह 11वीं और 12वीं यानी 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो सभी ऑनलाइन लेक्चर्स है वो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।